नमस्कार दोस्तों मैं राजन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट की डिलीवरी बॉय का जो आपको इंसेंटिव मिलता है सैलरी से अलग आपको इंसेंटिव जो मिलता है आज की वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरीके से मिलता है कितना मिलता है तो अगर आप ये वीडियो हमारी अपना ऐप पर देख रहे हैं तो आपको हाँ मैं अपना यूट्यूब चैनल का नेम आपको बता रहा हूँ राजन शर्मा व्लॉग पर आपको बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो आपकी इस जॉब के लिए हेल्पफुल होंगी और अगर आप YouTube चैनल पर सर्च कर रहे हैं तो आपको अपने अपना ऐप पर मैंने अपनी प्रोफाइल बना रखी है वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो आपको इस जॉब में हेल्प करेंगी और आपको जो इंसेंटिव मिलता है फ्लिपकार्ट की सैलरी बेस पर अगर आप काम कर रहे हो ई कार्ड में तो आपको इंसेंटिव मिलता है तीन रुपये पचहत्तर पैसे के हिसाब से आपको पेट्रोल का मिलता है और अटेंडेंस बोनस मिलता है आपको इस तरीके से आपको मिलता है और अगर आप बेशक चाहे आप पैकेट्स पे हो या फिर सैलरी पे हो अगर आप बी सेल यानी बिग बिलियन डेज सेल के दौरान वहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको सभी को मिलेगा वो बेशक चाहे पैकेट्स पे हो या फिर सैलरी पे हो दोनों को ही मिलेगा और वैसे इंसेंटिव मिलता है जो सैलरी पे मिलता है क्योंकि आ, अगर आप पैकेट्स पर करें तो आपको उसी में इंक्लूड हो जाता है आपको पंद्रह रुपये पैकेट ही चौदह रुपये पैकेट या उन्नीस रुपये पैकेट जिस भी रेट पे आपको मिल रहा है सिर्फ आपको पैकेट्स डन करने हैं पैकेट्स पे अगर आप करे हो इसमें आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो फुल टाइम भी कर सकते हो वो आप पर डिपेंड करता है लेकिन सैलरी पर अगर आप इसको कर रहे हो तो आपको फुल टाइम ही करना पड़ेगा और इसमें आपको इंसेंटिव मिलता है जिस तरीके से आप काम प्रॉपर करे हो काम अच्छे ढंग से करे तो आपको इसमें इंसेंटिव मिलता है बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपको देने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू